हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो यहाँ मेरी अदरक वाली चाय बन रही है, मॉर्निंग हो गई है। तो आज मैं आप लोगों के लिए छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ और जितना भी मैंने शूट कर पाया है यहाँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से मैं बिज़ी चल रही हूँ, डेली व्लॉग्स मेरे नहीं आ पा रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों से एक बार फिर से सॉरी बोल रही हूँ। और कोई भी ऐसा सस्पेंस नहीं है और कुछ भी परेशान आप लोगों को करने का इरादा नहीं है, बस ये है कि वक्त मुझे नहीं मिल रहा है और अभी सही टाइम नहीं आ रहा है। जैसे ही आएगा मैं सब कुछ अपडेट कर दूंगी यहाँ पर आप लोगों को। तो चलिए यहाँ पर मैं चाय पी लेती हूँ, इसके बाद आगे बढ़ती हूँ वीडियो में। तो जितना भी मैंने शूट कर पाया है वो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किया है, और चाय पीने के बाद मैं सीधे आपको लंच के टाइम पर मिल रही हूँ। और आज मैं यहाँ पर बना रही हूँ बैंगन का भरता, जो कि मैंने यहाँ ये भून कर रखा हुआ था। बैंगन, तीन बैंगन थे, छोटे छोटे थे साइज़ में, तो मैंने तीनों ही भून लिए थे। साथ ही यहाँ पर प्याज भून रही हूँ, जो कि ये सरसों के तेल में ही मैं बनाती हूँ बैंगन का भरता। इसमें मैंने गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली ये सब कुछ डाला है कट करके, क्योंकि इसमें लहसुन बहुत अच्छा लगता है भरते में, तो वो ज़रूर डालती हूँ। तो भुन गया था, यहाँ पर मसाले सारे मैंने ऐड कर दिए हैं, बेसिक मसाले जो भी थे, हल्दी पाउडर, धनिया, मिर्ची। और इसके बाद ये हल्का सा भूनने के बाद मसाला, यहाँ टमाटर भी मैंने कट करके डाल दिया है। अब इसमें सॉल्ट डालकर इसे थोड़ा सा पका लूँगी, और साथ ही यहाँ मैंने दाल भी चढ़ा दी थी। तो ये देखिए टमाटर यहाँ पर पक गया है। अब जो भून कर रखा हुआ था मैंने बैंगन, वो इसमें मिक्स कर दूँगी और इसको फिर से थोड़ी देर भूनने दूँगी बैंगन को मसाले के साथ में। तो बहुत ही अच्छा सा भरता बनकर तैयार हुआ था यहाँ पर। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि गैस करिए मैं कहाँ पर बिज़ी हो सकती हूँ, तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे, मैंने सारे पढ़े थे। उसमें से एक कमेंट जो है वो बिल्कुल सही गैस किया है, और वो मैं जल्दी ही बताऊँगी, तो अभी नहीं टाइम आया है, थोड़ा सा और वेट कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए भरता बनकर तैयार था, ऊपर से मैंने गार्निश कर दी है हरी धनिया यहाँ पर। तो चपाती भी मैंने यहाँ बना ली थी, और बस इस दिन मैंने इतना ही शूट किया है, इसके आगे मैंने शूट नहीं किया था। इसके बाद मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे मैंने यहाँ पर जल्दी ही नहा लिया था, चाय वगैरह सब कुछ मेरी हो गई थी, शूट नहीं किया है। और आज आने वाली थी मेरी मौसी जी, यानी कि मौसी सास और मौसा जी भी साथ में, तो उन्हीं के आने की तैयारी मैं कर रही थी यहाँ पर। मैंने सोचा उनके आने से पहले सारा काम कर लेती हूँ, खाना भी बनाना था मुझे और घर की साफ़ सफाई भी सब कुछ कर ली थी, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि जब भी कोई गेस्ट आता है घर में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, शूटिंग भी करनी, एडिटिंग भी करनी। तो मैंने सोचा कि अलग ही एक साइड रख देती हूँ कैमरा भी, थोड़ा बहुत मैंने किया है वैसे, छोटी छोटी क्लिप्स निकाल ली थी। तो यहाँ ब्रेकफास्ट में मैंने कुछ भी नहीं आज बनाया था, क्योंकि खाना में बनानी थी मुझे कई चीज़ें, और ये जो म्यूसली आती है वही मैंने खा ली थी मिल्क में इसको, और अच्छी लगती है वैसे ये, टेस्टी। तो अब मैं यहाँ लंच की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें कि मैंने सेवैयाँ चढ़ा दी थी, जो दूध वाली होती है सेवैयाँ, खीर, और यहाँ ये मसूर की दाल बनाने वाली हूँ। तो बनाया तो मैंने सिंपल खाना है, लेकिन दो तीन डिशेस बना ली थी, गोभी की सब्ज़ी थी, तो काम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैंने अपनी सिस्टर को बुला लिया था यहाँ हेल्प के लिए। तो वो आ गई है, जो आप अभी देख रहे हैं ब्लू कुर्ते में, वो मेरी छोटी सिस्टर है। जो भी नए लोग हैं उनको मैं बता रही हूँ, और जो मेरे पहले से जुड़े हुए लोग हैं चैनल से, वो सभी जानते हैं।
तो हम दोनों सिस्टर्स यहाँ पर खाना बना रहे हैं और मटर पनीर की सब्ज़ी उसने बनाई थी और इतने में ही मैंने बेल की आवाज़ सुनी है तो अभी दरवाज़ा खोलने गई हूँ मैं। तो आ चुके थे मेरे जो मौसी सास हैं और मौसा जी। नमस्ते मौसी। नमस्ते मौसा जी। नमस्कार नमस्कार। क्या खबर है बताइए। और दीदी ही लेने गई थी मौसी जी और मौसा जी को। तो यहाँ मैंने क्या क्या बनाया है आपको जल्दी से दिखा देती हूँ। रेसिपी तो मैंने शेयर नहीं की है, सिंपल सी सब्जियाँ ही बनाई थी। राइस है, मटर पनीर की सब्ज़ी है ये, और इसमें है ये गोभी आलू की सब्ज़ी, साथ में है बूंदी का रायता, ये है मसूर की दाल और कद्दू की सब्ज़ी है, और सेवइयाँ बनाई थी मैंने स्वीट में। तो और ये सैलेड भी कट करके रख ली है, साथ ही ये रोटी सेक रही है मेरी सिस्टर। तो यहाँ मैं लगा लेती हूँ खाना। तो इधर ही मैं ले आई थी ड्राइंग रूम में, सारा मैंने रख दिया था जो भी बनाया था, और साथ ही प्लेट्स रख दी थी यहाँ, बोल रख दिए थे, और यहाँ मैं सर्व कर दूँगी। रोटी लाई जाइए। मौसी का मैं लगा देती हूँ। कटोरी चाहिए क्या कोई? नहीं मैंने चला दी। हरी मिर्ची। अच्छा और सबका खाना होने के बाद हम दोनों बहनों ने भी खाना खा लिया था बाद में। और फिर अभी देख रहे हैं आप ये ढेर सारे बर्तन, बहुत सारे बर्तन हो गए थे आज। तो आधे बर्तन मैंने यहाँ पर धोकर निकाल दिए थे क्योंकि मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा हो जाएंगे मेरी जो हेल्पर आती है उसके लिए धोने के लिए। और बस फिर मौसा जी मौसी जी शाम को निकल गए थे, वापस हो लिए थे, और मैं अपना डेली रूटीन के काम में फिर से व्यस्त हो गई थी। तो इस तरह से निकला मेरा आज का पूरा दिन। देखिए फिर आपको कब मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलूँगी नए वीडियो के साथ।